मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर द्वारा गांव गांव में परमात्मा के 3 संदेश पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ओम ध्वनि करने से सभी मानसिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। यह संदेश गांव गांव में फैलाने का कार्य ओम मंडली कर रही है। अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में शनिवार को ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान कानपुर के राणा प्रताप नगर संवाहक बीके पुष्पलता ने प्रेस वार्ता में बताया कि संस्था की स्थापना हैदराबाद में हुई, जो देश के बंटवारे के बाद माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी पर बसा हुआ पर्वतीय स्थल है, जो वर्ष 1950 में कराची पाकिस्तान से स्थानांतरित आदि संगठन को मनन चिंतन और शांति का अनुभव कराने वाला एक आदर्श स्थान साबित हुआ है। ओम शांति। मैं बीके पुष्पलता, ओम मंडली शिव शक्ति सेवा संस्थान रायपुर की कानपुर शाखा से वहाँ की संचालिका हूँ। हमारा आश्रम है और यहाँ पे हमें परमात्मा की सेवाओं में हम कार्यरत हैं। ये हमारे जी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पूछ रहे हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जन जन तक हमें परमात्मा के सत्य परिचय को पहुंचाना। नंबर 2, परमात्मा का जो महामंत्र है आज के समय में, दुख और कष्टों के समय में, उस परमात्मा के महामंत्र ओम ध्वनि को पर जन जन तक पहुंचाना, जिससे उसके फायदे को सब ले सके। और तीसरा, वृक्षारोपण से जो हमारा पर्यावरण बचाया जा सकता है, उसके लिए हर किसी को परमात्मा का संदेश है कि एक एक पौधा कहीं भी अपने किसी भी स्थान पर वो अवश्य लगाए और फिर उसकी पालना भी करे, उसको पानी वगैरह भी दे और पौधे के सामने बैठकर 5 मिनट ओम की ध्वनि करे। ओम की ध्वनि एक वो मंत्र है जिससे हम परमात्मा से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होती है और हम अपने को शक्तिशाली महसूस करते हैं। और ये 3 हमारे परमात्मा की सेवा में चल रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।